श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यह उपाय आपको कार्तिक महीने की दशमी तिथि में ही करना है। दशमी तिथि के दिन यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति के घर में धन संपदा की कमी है, रुपए आ ही नहीं रहे हैं, हमेशा पैसे की तंगी बनी हुई है। वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय करने के लिए आपको एक समी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि जो व्यक्ति दशमी तिथि के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक समी पत्र समर्पित कर देता है उसको 14 करोड़ मुद्रा के बराबर फल प्राप्त होता है और उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। धन संपदा हमेशा उसके घर में भरी पड़ी रहती है। माँ लक्ष्मी उसके घर में विराजमान होती है। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय में भी पूज्य गुरु जी ने यही बताया है कि जिस व्यक्ति के घर में धन संपत्ति की कमी है वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको 7 बेलपत्र और थोड़े से आपको केसर से आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में ओम लिखना है और दोनों बगल वाली पत्ती में एक पत्ती में माँ जगदम्बा के नाम की बिंदी लगाना है और दूसरी वाली बेलपत्र में गणेश भगवान के नाम की बिंदी लगाकर रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाकर वह बेलपत्र आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। इसी तरह से आप 7 बेलपत्र में बड़ी वाली पत्ती में ओम लिखें और बगल की एक पत्ती में माँ जगदम्बा के नाम की बिंदी लगाएं और दूसरी बगल वाली पत्ती में गणेश भगवान और रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाएं। इस तरह से आप बिंदी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। इसी प्रकार से आपको यह 7 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अगर यह आप उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन लक्ष्मी संपदा की कमी कभी नहीं आएगी। आपके घर में माता लक्ष्मी विराजमान हो जाएगी। पूज्य गुरु जी ने एक और आसान और सरल उपाय बताए हैं कि यह उपाय आप करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आप समी पत्र के नीचे या बेल पत्र के नीचे अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भूल बस भी चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे बुढ़ा हो जो भी हो वह अगर भूल बस भी समी वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर पार्थिव शिवलिंग बनाकर एक लोटा जल समर्पित कर दिया है तो उसके जीवन में कहीं न कहीं खुशी अनुभव अवश्य होगी। उसके जीवन में उसको खुशी अवश्य प्राप्त होगी। उसके जीवन में उसको आनंद अवश्य प्राप्त होगा। यह उपाय करके आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। Yo soy de acá.